नमस्कार, आप देख रहे हैं यूटर्न और मैं हूँ आपके साथ खुशबू सिंह। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। कोरोना से जयपुर में एक महीने का बच्चा संक्रमित। देश भर में 24 घंटे में 640 नए केस। केरल में सबसे ज्यादा 265 मामले, एक की मौत। सांसदों के सस्पेंशन पर जंतर मंतर पर INDIA का प्रदर्शन। राहुल बोले, दो तीन युवा संसद में घुसे तो भाजपा सांसद भाग गए, देशभक्तों की हवा निकल गई। विराट कोहली पारिवारिक कारणों से भारत लौटे, मैच से पहले वापस साउथ अफ्रीका जा सकते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ टेस्ट सीरीज से बाहर। चलती ट्रेन में चढ़ती महिला का बैलेंस बिगड़ा, गेट पर लटकी। इंदौर जोधपुर एक्सप्रेस में चढ़ रही थी पानी की बोतल लेकर, रेल कर्मियों ने संभाला। शिक्षक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों ने किया फर्जीवाड़ा, 58 अभ्यर्थियों ने लगाए झूठे सर्टिफिकेट। FIR दर्ज कर डिबार करने की तैयारी में बोर्ड। उम्मीदों पर नहीं टिकी शाहरुख खान की डंकी, पहले दिन कमाए सिर्फ 30 करोड़ रुपए। 2023 में SRK की सबसे बड़ी कमजोर ओपनर बनी। पन्नू केस, निखिल गुप्ता के संपर्क में भारत सरकार। विदेश मंत्रालय बोला, जेल में 3 बार राजनयिक पहुंचे। जयपुर एयरपोर्ट पर आतंकवादी हमले की मॉक ड्रिल, 4 आतंकवादियों ने किया हमला, सुरक्षा एजेंसियों ने 3 को मार गिराया। फोनपे प्लेटफॉर्म पर नया क्रेडिट सेक्शन लॉन्च, इसके जरिए यूजर्स क्रेडिट स्कोर चेक कर सकेंगे, लोन और बिल पेमेंट भी कर पाएंगे। अयोध्या एयरपोर्ट पर उतरा पहला प्लेन, 30 दिसंबर को PM एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा में 100 प्लेन से आएंगे VIP। युवती के ब्रेस्ट से निकाली गई 13 किलो की गांठ, SMS में अब तक की सबसे बड़ी गांठ निकाली गई, 6 महीने से परेशान थी। महिला को गोली मारने वालों से पिस्टल कारतूस बरामद, चंडीगढ़ में घर में घुसा था आरोपी, पुलिस को पैसों के लेन देन का मामला बताया। 3 क्रिमिनल लॉ बिल संसद में पास, राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही बनेंगे कानून। शाह बोले, तारीख पे जमाने का जमाना आएगा। अमित शाह बोले, गीता का प्रचार कर रहे संत महात्मा, कुरुक्षेत्र में कहा संस्कृति को आगे बढ़ा रही BJP, एकता अखंडता के लिए कश्मीर से 370 हटाई।